हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और मेरा नाम है हरिशंकर शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज है 24 अक्टूबर, आज है दिवाली। तो मैं क्या हुआ कि आज मंदिर में माला लगाना आया था, हमारे गांव का मंदिर है। मैं भी अच्छे से दिखाऊंगा आपको, पूरा एक्सप्लोर करूँगा इसके बारे में भी कि पहले यहाँ कैसा था और अब कैसा हो चुका है। और आज मैं आपको पूरा अपना गांव दिखाऊंगा, कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी माला लगी है। और आप मेरे को कमेंट करके बताना कि किसका घर आपको सबसे अच्छा लगा, कहाँ पर अच्छी माला लगाई हुई है। और बाकी चलते हैं, मिलते हैं, करता हूँ मैं आपको ब्लॉग बनाता हूँ छोटा सा और दिखाता हूँ। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ मेरे पीछे, ये देखिए मेरे पीछे घर है, बहुत प्यारा लग रहा है, मेरे को तो बहुत पसंद आ रहा है। देखिए मेरे जस्ट पीछे आपको दिख रहा होगा घर, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे कोई पड़ोसी हैं मेहरा जी, उन्हीं का है ये। कुछ कहना चाहते हैं आप त्यौहार के दिन? ये हमारे बलवंत जनरल स्टोर के छोटे मैनेजर आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बाकी हमारे हरिशंकर शर्मा जी को आप लोग सभी लोग सपोर्ट करें और इनकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और टैग करें और लाइक भी करें। छोटा भाई है हमारा ही, और इनको आगे बढ़ाएं। सभी लोगों को दिवाली पर्व की बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ से एंट्री गेट है, और ये देखिए मैंने माला लगाई आज दिन में जो मैं लगा रहा था। बाकी अगर वॉइस क्लियर नहीं आएगी तो मैं आपको पूरा उसको कल सुबह दिखाऊंगा। बाकी और ये देखिए फ्रेंड्स, मंदिर में पूजा करते हुए और हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आ चुका हूँ जहाँ पे मैंने माला लगाई थी। ये देखिए कैसी लग रही है आपको माला लगी हुई, अगर अच्छी लग रही तो मुझे ज़रूर बताइएगा। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए किस तरीके से लगाई हुई है माला है। और चाचा क्या हाल है? हेलो, बधाइयां यार। ये देखिए फ्रेंड्स, लेकिन देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा घर है। अभी देखिए मैंने माला लगाई हुई है, हर जगह अलग अलग तरीके की मालाएं हैं, आप देख सकते हैं फिलहाल। फ्रेंड्स ये हैं दिलीप भाई हमारे, और ये अभी क्या कर रहे हो दिलीप भाई? माला लगा रहे हो क्या? लगा रहे हैं, ये माला लगा रहे हैं मंदिर में। और दिवाली की मिठाई विठाई कहाँ है? हो जाएगी अभी। और गेम वेम चल रहा नहीं आजकल? गेम यार कहाँ, आराम हो रहा है, चलेगा शाम को चलेगा। और ये इनका लड़का है छोटा सा, ये देख सकते हैं पढ़ाई में बहुत होशियार है, कहते हैं है होशियार है क्या है ना भाई? ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक और घर है और उसके बगल में एक और है और इसके नीचे एक और है, देख सकते हैं आप। सब हमारे नेबरहुड हैं पड़ोसी। और ये देखिए एक ये है और एक छोटा सा शैतान बच्चा, दिखा मुझे भी, ये देखिए। हाँ भाई क्या नाम है? हाँ हाँ सुइए सुस्वारी कह रहा है और यहाँ पे खड़ा हो गया ये देखो। ये देखिए फ्रेंड्स, और क्लियरली आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। लटकी हुई मालाएँ काफ़ी प्यारी लग रही हैं। और एक यहाँ पे हैं और एक ये है, ये अभी तो फिलहाल क्लियर नहीं दिख रहा आपको, ये गेट के अंदर। मैं कभी दिन में दिखाऊंगा, पहले जब, अभी तो नया बन चुका है, इससे पहले जब पुराना था भूत बंगला बोला जाता था इसको, हम डरते थे यहाँ पर आने में बचपन में। और ये हमारे बड़े भैया हैं हरीश मेहरा जी, इनका घर है, देख सकते हैं आप। बाकी अंदर घंटी की आवाज़ आ रही है, पूजा पाठ चल रही है।
और जाता हूँ मैं भी दुकान में जाता हूँ और आगे से दिखाते हैं आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। ये फिलहाल कोई मिला नहीं, बाहर से कोई है नहीं, सब अंदर से पूजा कर रहे होंगे, व्यस्त होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है दो मंजिला मकान है। ऊपर पहले पिछले साल जो हमने लगाई थी वो ऊपर से नीचे तक लगाई थी पूरी, इस बार ऊपर से नीचे इसलिए लगाई थी जिस पर कुत्ता रहता है, इस वजह से उन्होंने मना कर दिया था। हमने सिर्फ नीचे नीचे झालर से लटका दिए थे, वो भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। बाकी ये देखिए एक ही घर है, नीचे मैडम सर रहते हैं, पे केंद्रीय विद्यालय के टीचर हैं, उनका घर है, शायद अभी कहीं गए हुए हों। और ये देखिए हम्बल रेस्टोरेंट, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छा सा मज़ा आ जाता है, मतलब चमकते हुए घर बहुत प्यारे लगते हैं। और ये हैं डॉक्टर साहब का घर है हमारे, यहाँ पे भी मैंने ही माला लगाई थी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे लालू मेहरा जी हैं, मेहरा ट्रांसपोर्ट के मालिक। और अगर आपको कुछ भी रेता बजरी ईट वगैरह मंगानी हो तो इनके ट्रक चलते हैं, कम से कम 3 से 4 ट्रक चलते हैं, और एक जेसीबी भी है। कुछ काम करवाना हो अगर आपको तो आप कॉन्टैक्ट करें इनसे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा और नंबर दे दूँगा इनका। बाकी कुछ कहना चाहते हैं आप? आज दिवाली है, कुछ दिवाली के शुभ अवसर में आप कुछ कहना चाहेंगे? हैप्पी दिवाली। और ये हमारे झाजी हैं, इनसे मिलिए, मालिक साहब हमारे। और ये राहुल बेटा है हमारा, पर इसकी बड़ी हालत खराब होती है। क्यों ऐसा खर्च कर दिया? क्यों कहीं पे? क्यों ऐसा क्यों? कहीं पे बर्थडे अगर वैसा हो तो ले लेते हैं, हाँ। देने की बारी आती है तो ये पीछे रह जाते। अच्छा अच्छा ऐसा भी हो रहा है जी। तो फ्रेंड्स, मैं मंदिर में आ चुका हूँ, अभी दिन का टाइम है, कल रात की मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा कि माला जलते हुए कैसी लग रही थी। अभी भी जली हुई है माला तो, लेकिन धूप में दिखता नहीं है। और बाकी पूरा मंदिर एक्सप्लोर करता हूँ आपको, कैसा था और अब कैसा हो चुका है। बाकी बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे को। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ मंदिर में। अब ये देखिए मंदिर में ताला लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे यज्ञ होता है। और ये है देवी मैया का मंदिर है, ये सबसे पुराना मंदिर है, सबसे पहला यही मंदिर था यहाँ पे। ये अभी नया बना हुआ है हाल ही में। और यहाँ पे अंदर गोदाम है, इसको गोदाम बोला जाता है। यहाँ पे जो भी सामान रहता है वो इसके, मतलब जो भी सामान रहता है मंदिर का वो इसके अंदर रहता है। यहाँ पे ताला लगाना सही है, लेकिन यहाँ पे जो ताला लगा है वो मेरे हिसाब से गलत है। अगर आपके हिसाब से सही है तो अच्छी बात है, मेरे हिसाब से तो गलत है। बाकी ये देखिए नीचे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हुआ करता था, ये देखिए नीचे पूरा का पूरा पूरा झाड़ी लगी हुई है पूरा ऊपर, इतने ऊपर। अभी मैं यहाँ पे टॉप ऊपर खड़ा हुआ हूँ और खेत नीचे है, कम से कम 5-6 फीट नीचे है। और ये झाड़ी देखिए पूरे मेरे हाथ तक आ रही है, इतनी ऊँची यहाँ पर झाड़ियाँ हो चुकी हैं, पहले ऐसा नहीं था। और ये देखिए पूरा रास्ता बंद हो चुका है, यहाँ से नीचे रामनौली है, रामनौली आपको दिखाऊंगा मैं, अभी ले जाऊंगा थोड़ी इसके बाद बनाऊंगा रामनौली का। और यहाँ पे केले का पेड़ है, यहाँ से पूरा रास्ता हुआ करता था, नीचे पूरे खेत खुले हुए रहते थे। और जो ये यहाँ पे है, यहाँ पे सत्संग हुआ करता था, यहाँ पे पंडित जी अपना हारमोनियम के साथ भजन कीर्तन किया करते थे। और यहाँ पे सारे के सारे भक्तगण बैठे रहते थे। और पहले से रास्ता वहाँ पे से हुआ करता था नीचे से, अब पीछे से कर दिया है, उल्टा हो चुका है पूरा का पूरा सिस्टम। और ये देखिए आप, और पहले से यहाँ पे रात को जागर हुआ करती थी, हम लोग आते थे बचपन में, भंडारा हुआ करता था हर महीने, 2 महीने में भंडारा हुआ करता था। वो चीज़ भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको मंदिर दिखाया, पूरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा मंदिर है, लेकिन बहुत अच्छा हमारा जाना माना मंदिर है ये। और लेकिन लोग आ नहीं रहे हैं यहाँ पे, श्रद्धा भाव ख़त्म हो चुका है लोगों के अंदर से, मुझे ऐसा लगता है। जब मैंने पता किया एक दो से तो वो बोलने की या तो लोग नास्तिक हो चुके हैं या फिर उनको मंदिर में कोई लगाव नहीं रहा। क्योंकि पहले हमें भंडारा हुआ करता था, आलू पूरी बना करती थी, पूरे गाँव में बांटी जाती थी, प्रसाद होता था, वो पूरे गाँव में बांटा जाता था। और जागर हुआ करती थी रात रात को, 2-2, 3-3 बजे, 4 बजे सुबह तक जागर हुआ करती थी, वो अब नहीं हो रही है। के बीच में शायद हुआ था वो, मेरे को कन्फर्म डेट याद नहीं है, ना ही ईयर याद है उसका कौन सा था, लेकिन अब वो नहीं हो रही है। वो चीज़ होनी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें दोबारा हो और मंदिर जो हमारे वीरान पड़े हुए हैं कोई ना कोई यहाँ पे हो और हमेशा हमारे मंदिर यूं ही जगमगाते रहें।
चलता हूँ फिर आपको रामनवमी दिखाता हूँ, ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रहा हूँ रामनवमी को, और यहाँ से नीचे यहाँ से रास्ता है इसका, और ये जियो का टावर लगा हुआ है। चलते हैं रामनवमी दिखाता हूँ आपको कैसी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है रामनवमी। रामनवमी का मतलब है राम जी का नल। जब मैंने पूछा इसके बारे में तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो पीछे वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, जिसमें जाली लगी हुई है, वो मेन स्रोत है, और ये जहाँ से लीकेज कर रहा है, क्योंकि ये टैंक है और ये ओवरफ्लो हो चुका है। और बाकी यह इसका पानी इतना प्योर है, इतना शुद्ध है कि बिस्लेरी, एक बार इसके और बिस्लेरी के पानी के बीच में टेस्टिंग हुई थी, तो ये वाला पानी बिस्लेरी से भी बेस्ट निकल रहा था। अगर आप इसको पियेंगे पर डे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी ये रामनवमी यहाँ पे हम नहाया करते थे बचपन में, आते थे गर्मियों के दिनों में, क्योंकि अब क्या होता है कि हम अपने काम पे बिजी रहते हैं तो नहीं हो पाता आने का। और आज मैं फ्री हूँ, तो मेरे को क्योंकि दिवाली की छुट्टी है तो फ्री था, तो थोड़ा मंदिर का मैं माला वाला लगाई थी, काम किया था, और थोड़ा मंदिर के दर्शन किए तो अच्छा लगा। बाकी ये सब चीज़ें हैं हमारे मेहरा गाँव का जो एरिया है वो ये है। बाकी चलते हैं, करते हैं आगे को ब्लॉग की एंडिंग।